Hello students, good morning. How are you? I hope you are fine and good. Today we discuss class 7th chapter 4th. Heat is continuous. The topic of the day is land breeze and sea breeze. So sometime many students get a confusion in the land breeze and sea breeze. Okay, what is the difference between them? So I try to and tell you in the better ways so the every student should be learn or understand better. तो देखिए first we discuss about the sea breeze. पहले तो आप देखिए जो word हमारे पास में given है भी land breeze और sea breeze. देखो land breeze का meaning होता है breeze mean moving air जो होती है. देखो land से आने वाली land breeze और सी से आने वाली सी ब्रीज, अंडरस्टैंड, यानी कि वे एयर जो लैंड से चलेगी समुद्र की तरफ कहलाएगी लैंड ब्रीज. यहाँ देखिए सी ब्रीज द एयर विच आर कमिंग फ्रॉम द सी टुवर्ड द लैंड, सिंपल है, ठीक है. देखिए फर्स्ट में डिस्कस अबाउट द सी ब्रीज कि व्हाट इज सी ब्रीज. देखिए ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन में क्या होता है, देखो कि हमारे पास में सन होता है, होता ना, तो मान लो एक और हमारे पास में समुद्री पानी यानी कि सी वाटर है और एक और हमारे पास में लैंड का एरिया यानी कि, ठीक है ना. तो देखिए क्या होता है जब सन की हीट आती है, सन की रेज आती है, ठीक है, हॉट रेज आती है सन की यानी कि, तो उससे क्या हो जाएगा हमारा, जैसे साथ में पानी भी गर्म होगा साथ में लैंड भी गर्म होगा यानी कि, लेकिन जो लैंड होती है इट इज क्विकली हॉट, इट इज क्विकली हीटेड, क्विकली हीटेड कंपेयर टू द सी वाटर. यानी कि अब मानो कि जो हमारी लैंड का एरिया है वे क्या गर्म है, पानी क्या ठंडा है, इसलिए क्या होता है, देखो जो एयर लैंड के ऊपर वाली होती है इट स्टार्ट टू राइज अप, यानी कि यहाँ की जो एयर होती है ऑन द लैंड ये गर्म हो जाएगी, तो एयर मूव अपसाइड, ठीक है ना. अब उससे क्या हो जाएगा, लैंड के ऊपर जो एयर का प्रेशर होता है इट डिक्रीजेस, वे क्या हो जाएगा, अभी लो हो जाएगा यानी कि, ठीक है. टू फिल दिस लो प्रेशर एरिया तो समुद्र की तरफ से हवा चलेगी यानी कि सी टू लैंड एयर मूव करेगी, ठीक है, क्योंकि इधर क्या है एयर का प्रेशर अधिक है, यहाँ क्या एयर का प्रेशर कम है, तो सी से लैंड की तरफ एयर चलेगी, तो वही एयर हमारी क्या कहलाती है, सी ब्रीज. दैट इज ए कन्वेक्शन करंट ऑफ एयर, मोमेंट ऑफ एयर जो होती है यहाँ पे सी टू लैंड इज कॉल्ड एज सी ब्रीज, ठीक है ना, अंडरस्टैंड. तो नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द लैंड ब्रीज एंड नाउ वी सी द लैंड ब्रीज. देखिए ड्यूरिंग द नाइट क्या दिखाएंगे इसके अंदर हम लोग, जैसे यहाँ पे स्टार दिखा देंगे, इसमें आप लोग देखिए मून दिखा देंगे भी, सन तो होगा ना रात को, तो विल सी हेयर मून, और ट्रीज दिखा देंगे, इसके मोमेंट को उल्टा कर देंगे, ठीक है ना, ट्रीज मोमेंट को उल्टा कर देंगे. तो देखिए ड्यूरिंग द नाइट क्या होता है, अभी नाइट को देखो दोनों ही जो एरिया हमारे लैंड का एरिया जो होता है सी का एरिया जो होता है दे स्टार्ट टू कूल, ठंडे होने से हो जाएंगे, ठीक है ना. तो कंपेयर टू द वाटर जो लैंड होती है इट क्विकली गेट कूल, यानी कि जल्दी ठंडी हो जाएगी भी. अभी ठंडा हमारे पास में मान लीजिए वो सी वाटर का एरिया है, ये थोड़ा सा मान लीजिए गर्म है, हॉट है कंपेयर टू द लैंड वाटर. तो देखो जैसे ये एरिया हमारा गर्म है इसके ऊपर की एयर क्या होगी, हॉट होगी, तो हॉट एयर ऑलवेज राइज अप, तो अभी यहाँ की जो एयर है वे क्या कर जाएगी, ऊपर की तरफ मूव कर जाती है, ठीक है ना. अब जैसे वही इसमें होगा फिर यहाँ पे दैट प्रोड्यूस ए लो प्रेशर एरिया टुवर्ड द सी, ठीक है, यानी कि जो एयर का प्रेशर है अब समुद्र की तरफ क्या है कम हो गया यानी कि, और इधर हमारा जो लैंड का एरिया है यहाँ पे इसका प्रेशर क्या है, हाई है, ठीक है. टू फिल द लो प्रेशर एरिया एयर मूव्स फ्रॉम लैंड टू सी, अब जो एयर चलेगी भी जाएगी लैंड टू सी, तभी इसका नेम क्या भी लैंड ब्रीज, क्योंकि ये मूव कहाँ से करती है, लैंड से टुवर्ड द सी, और ये क्रिया कब होती है हमारी, रात के समय, ठीक है ना.
रात को जब दोनों एरिया हमारे ठंडे होते हैं, लैंड का एरिया और सी का एरिया, तो उसमें जो पानी होता है वे देर से कह लो कि ठंडा होता है, यानी कि धरती जो होती है हमारी जल्दी ही गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी होती है, यानी कि तो लैंड जो है ठंडी हो जाएगी, लेकिन पानी क्या अभी हमारा गर्म है, इसलिए ऊपर की एयर क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, जो ऊपर की तरफ राइज कर जाएगी, और जैसे ही एयर ऊपर राइज करती है इट प्रोड्यूस ए लो प्रेशर एरिया और दैट इज द क्वालिटी ऑफ द एयर, इट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो दैट इज कॉल्ड एज लैंड ब्रीज। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक विद द डायग्राम, तो यू शुड ड्रा बोथ डायग्राम इन द नोटबुक एंड अंडरस्टैंड और लर्न देम, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।